ओके, तो हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे कि हमने एक सिंपल, मैंने यहाँ पर आपके लिए केपीआईटीबी की वेबसाइट पे लिंक ओपन किया था, इनकी पोस्ट ओपन किया था। तो क्या है, मैं इसको क्रिएट करता हूँ अपने उसमें। तो हमने क्या किया, ऐड अ न्यू पोस्ट, ठीक है। अब आपके सामने हमारे पास पोस्ट आ रहा है, मैं टाइटल ऐड करता हूँ। ये मेरे पास क्या हो गया, काफी बड़ा टाइटल है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पर, एक इमेज है, इसको भी हम करेंगे। इसके बाद क्या है, डेट है। इसके बाद मैं आता हूँ, इसका जो टेक्स्ट है वो पोर्शन लेता हूँ, डेट को मैं फिलहाल रहने देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको पेस्ट किया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया। अच्छा, अब इस एक और चीज यहाँ पे आप नोट करें, जब हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। आपने डेफिनेटली इनको टेक्स्ट एडिटर में भी देखा होगा, मल्टीपल एचटीमएल पे काम करते हुए थोड़ा बहुत, इसको अगर हमने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, इसको हमने लिंक करना है, या यहाँ पर हमने कुछ और डालना है, कोड डालना है, इमेज डालनी है इनलाइन, तो ये हम फिर पे कर लेंगे थोड़ा सा बात किसी भी, मतलब ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ बना है, इसको इसको हमने अलाइनमेंट करना है, लाइन टेक्स्ट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लाइन टेक्स्ट लेफ्ट है, अगर मैं इसको यू करूंगा तो ये सेंटर हो जाएगा, अगर मैं इसको लेफ्ट करूंगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, अगर इसको मैं क्या कर दूं, लेफ्ट करूंगा तो मेरे पास लेफ्ट हो जाएगा। लेट से मैं इसको बोर्ड करना चाहता हूँ, तो बोर्ड के लिए मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैंने जस्ट डिजिटाइज के सेलेक्ट किया, तो ये मेरे पास देखिए बोर्ड हो गया है। इसको कंट्रोल डी करता हूँ, ये अनबोर्ड हो जाएगा। लेट से मैं कोई भी यहाँ पर, लेकिन उसी ऑटोमेशन है, अगर मैं इसको लिंक करना है तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो एचआरएस ये मुझे लिंक बता देगा कि आपने कहाँ पर इसको लिंक करना है। तो अगर हमें सम टाइम कहीं रिक्वायर्ड हुआ तो हम इसको लिंक भी कर लेंगे, लेकिन अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर आके देखें, हाईलाइट है, अगर हमने कहीं इनलाइन कोड है, इनलाइन इमेज है, फिर और डिटेल्स हैं। हम फिलहाल जो होते हैं पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो मैं उसके आता हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, तो हमने ऐड कर दिया। अब अगर मैं इसको पब्लिश करूंगा, मैंने पब्लिश किया, उसी तरह मेरे पास विजिबिलिटी पब्लिश, अभी मैं वो सारे ऑप्शन जो है मैं इसको पब्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास सारे ऑप्शन अभी यहाँ पे आ गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ पब्लिश। तो ये देखिए मेरे पास पब्लिश हो गया, इज नाउ ऑनलाइन। तो मैं यहाँ से भी व्यू पॉज कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, या इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। तो ये मैं अगर इसको यू करूँ, देखिए मेरे पास, हमारे पास आ जाएगा। देखिए, तो अब हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कमेंट्स हैं, रिप्लाई, लेकिन अगर मैं केपीआईटीबी को उसके जाऊँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं। अब एक और क्वेश्चन जो टीचर कर सकते हैं, किस तरह उनका हेडलाइन देखिए कितना प्यारा आ रहा है, और आपका हेडलाइन देखिए कितना कुछ अजीब आ रहा है। तो इसका रीजन ये है कि हम जस्ट वर्डप्रेस के बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं, अभी तक हमने इसको कुछ छेड़ा नहीं है, कस्टमाइजेशन नहीं की, हम एडिटिंग नहीं की। हम आगे जाकर इन चीजों की एडिटिंग करेंगे, इसको खूबसूरत बनाएंगे। हम बेसिक जो वर्ड पेस है, अभी हम उस पर काम कर रहे हैं कि आपको बेसिक वर्ड पेस की पेज पोस्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर हम डीपर इनटू डीपर इसमें जाएंगे आगे। अच्छा, मैं दोबारा एडिट पोस्ट करता हूँ, मैं थोड़ा सा अपना जो टाइटल है थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मीन्स कि शायद H4 H5 हो, मैं देखता हूँ कि ये। अच्छा, मेरे पास इसका शायद ये बाय डिफॉल्ट यही ले रहा है, तो हमें C6 में फिर जाकर कहीं इसको करना पड़ेगा। अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हम C6 में इसको कर लेंगे। अच्छा, इसको हम इसी तरह भी रहने देते हैं। अब नेक्स्ट ईयर हमने इसको अपडेट किया था, इसलिए हमें दोबारा अपडेट नहीं मांगना, हमने विकास कोई चेंज इसमें की नहीं है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, हमारे पास अपडेट नहीं हो रहा। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसको करेंगे स्विच टू ड्राफ्ट, इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, अनपब्लिश करेंगे, आई मीन कि इसको हम पब्लिश करना कर सकते हैं, तो इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। तो मैं दोबारा जा रहा हूँ उसके, हमारे पास पोस्ट भी थी, हमारे पास पोस्ट आ गया है। अब अगर देखें तो हमारे पास कमेंट सेक्शन है, यहाँ पर कोई कमेंट सेक्शन नहीं है, तो मतलब ये होता है कि आप पोस्ट के अगेंस्ट कमेंट्स को अलाउ करते हैं या नहीं अलाउ करते हैं एज एडमन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आए, यहाँ पर आपको मिलेंगे, 1 मिनट,
यहाँ पर डिस्कशन में जाएं, मैं क्या करता हूँ, अलाउ कमेंट्स, इन चीजों को मैं क्या कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ। तो अभी अगर आप देखें तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें तो हमारे पास जो कमेंट्स वगैरह का सेक्शन है, देखिए ये आपके पास यहाँ से गायब हो गया है। मीन्स समटाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, समटाइम जो होता है आप कमेंट्स अलाउ करते हैं, समटाइम जो होता है कमेंट्स अलाउ नहीं करते। तो डिपेंड करता है वो आप पे कमेंट अपने पोस्ट पे आप अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पे जाएं तो हमारे साथ एडिट था, तो और भी हमारे पास देखिए टैग्स है, कैटेगरीज हैं। अच्छा, अभी कैटेगरीज क्या है, देखिए ये आपने नोटिस किया होगा, लेट्स से हमारे पास अगर न्यूज है, हम बना रहे हैं न्यूज है, तो देखिए न्यूज में स्पोर्ट्स होता है, ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, स्पोर्ट्स है, वेदर न्यूज है, इस तरह की हमारे पास क्या है कैटेगरीज होती है। तो हम यहाँ पर वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एड न्यू कैटेगरी, हम करते हैं देखिए हेडलाइंस, ठीक हो गया। तो मैं पेरेंट कैटेगरी फॉर एग्जांपल कोई भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास देखिए हेडलाइंस हो गई। न्यू कैटेगरी हम नाम दे देंगे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स, ठीक हो गया। तो मेरे पास एक और कैटेगरी बन गई, फिलहाल मैं ये दो तीन बना रहा हूँ। तो अब ये हमारे पास अगर मैं आप देखें तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब अपडेट करता हूँ इसको तो मैं इसको करता हूँ हेडलाइंस पे। तो ये मेरे पास एक्चुअली जब अगर मैं इसको रन कर दूँ तो ये जो कैटेगरीज हमारे पास यहाँ पे आएंगी तो ये सिर्फ क्या आएगा, हमारे पास देखिए टैग जो है यहाँ पर नहीं है, हमारे पास देखिए ये है यहाँ पे आ रहा हुआ है हेडलाइंस। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मतलब इसका जो हमारे पास क्या था, पोस्टेड ऑन September 2018 मतलब टू डेट करंट डेट, और ये हेडलाइन जो है कैटेगरी में हमारे पास हो रही है, इसके जो टैग हैं वो हमारे पास क्या होते हैं। टैग एक बिट थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, टैग मीन्स आप ये समझ लें कि आप थोड़ा सा जो कोई भी मतलब मीन्स कि हेडलाइन में फॉर एग्जांपल कोई है शोएब अख्तर है, आप इस पे टैग बना रहे हैं, तो मतलब है कि लोग जो होते हैं एक्चुअली इस तरह के नाम से भी एक्चुअली ये थोड़ा सा सर्च इंजन के लिए है कि आप लोग जो होते हैं वो शोएब अख्तर की भी, तो फिर वो क्या होता है कि वो थोड़ा सा डीपर हो जाता है, खासकर जब गूगल सर्च इंजन इन चीजों को देखता है, फिर वो टैग वगैरह को देखता है कि देखिए हेडलाइंस है स्पोर्ट्स की है, लेकिन अब स्पोर्ट्स के अंदर फिर क्या है, हमारे पास देखिए शोएब अख्तर है या फॉर एग्जाम्पल बाबर आजम है, तो हेलो हम इसके ऊपर जी जी सर, मैडम हेलो जी, मिस सायरा का क्वेश्चन है कि ये लिंक जो है हमें समझा दे, अच्छा और अच्छा इरफान अल्लाह साहब का क्वेश्चन है कि समटाइम साउंड इज नॉट अंडरस्टैंडेबल। अच्छा सारा आप मुझे बताएं ये किस लिंक की ये मतलब है, क्या बात कर रहे हैं कि मैं आपको समझा दूं, ये लिंक का मतलब समझ प्लीज। अच्छा अस्सलाम लिंक तो वालेकुम होता है, मैडम, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो हमारा कोई इतराज नहीं है। सब हमारे सब पुलिस का यही इशू आ रहा है ना, सिर्फ मेरे पास तो नहीं है, आप बाकी चर्च को भी देख लें। नहीं काइंडली इजाज साहब मैं को कह दें कि सुनना भी माइक यूज तो आप कर ले। लोगों का जी जरूरी है कि आप लोग सुने। इजाज साहब इनको बता दे जी मुझे बताएं किसका यही है, फरवाला साहब की आपको आवाज। क्या मसला आ रहा है, मुझे मेरी आवाज नहीं आ रहा नहीं, आपको। अच्छा माइक काइंडली माइक यूज कर लेना, आवाज आपकी मतलब है वो स्पीकर से दूर है। एक्चुअली फिर वो आपको दोबारा नहीं आती ना। अच्छा अब देखिए माइक नहीं यूज कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि फिर मसला ये होता है कि फिर वहां पर आपका आवाज दोबारा नहीं आया, स्लो आती है, अदरवाइज मैं तो माइक की फर्स्ट यूज कर। अब देखिए आप मुझे बताएं, मैं पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, क्या आपको तुरंत जैसा आप ही। माइक अरेंज कर सकते हैं, माइक अरेंज कर ले तो ये मेरे ये तो ख्याल मेरे से। पास माइक ही है, वो नहीं है, मैं यूज माइक अच्छा यूज कर रहा हूँ वैसे। हेलो नहीं, इजाज़ साहब अभी भी फिर क्लियर हो जाता है ना, बाज दफा बिल्कुल गायब हो जाता है। अच्छा चलो आप मुझे चैट में बताएं, जो टीचर जो है के फॉर एग्जाम्पल सर आपका आवाज जो है गायब हो गया, तो इसमें कोई इशू नहीं है, मैंने तो सर आपको पहले भी बता दिया है कि ये पाकिस्तान है, तो यहाँ पर आपको खुद पता है कि जो इंटरनेट इवन अदरवाइज आई है वो 2-3 वो चीजें हुई, नोकिया की डिवाइस मैंने रखी है, कोर डिवाइस है वो भी मैंने रखी हुई है, सिर्फ आप लोगों के लिए कि आपको जो ट्रेनिंग है वो अच्छा गुजरे, लेकिन नहीं स्टिल्स इजाज साहब, यहाँ ये पर इजाज साहब ये नेट का इशू नहीं है, सॉरी ये साउंड का इशू आ रहा है मेरे ख्याल में। नहीं। तो मैं तो देखिए मैं प्रॉपरली अच्छे क्वालिटी की वो यूज कर रहा हूँ, मैं इस तरह कोई इशू नहीं है, मैं खुद ऑनलाइन वगैरह पार्ट टाइम काम करता हूँ, तो मतलब मुझे तो हम तो गूगल मीट ज्यादा यूज करते हैं, तो
कोई इशू नहीं होता हमें गूगल मीट पे आपस में क्लाइंट के साथ ना। तो अगर इरफान आप साहब, अभी आवाज साफ आ रही है, अभी अभी साफ साफ आ है रही है, तकरीबन, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अभी अभी क्लियर है। ठीक है, ठीक है अभी इरफान साहब, कोई इशू नहीं है। आप इस तरह करें मिस नादिया, आप ये इरफान साहब को जो है इसको म्यूट ना कर, मतलब है कि रहने दें। अगर कहीं पर भी इशू आता है तो ये मुझे बता देंगे कि सर आपका आवाज जो है कोई गड़बड़ हो गई है, तो हम दोबारा वो चीज़ ठीक है रिपीट सर, करेंगे कि ठीक टीचर से बहस ना हो। है, ओके। थैंक यू। अच्छा ओके जी, मिस सारा आप कुछ जो है अच्छा क्लियर है, लेकिन आपने कोई क्वेश्चन किया था कि सर ये लिंक का मेथड समझा दें। अच्छा जो लिंक जो होता है वो तो अगर आप इस लिंक की बात कर रहे हैं, ये तो ऑटोमेटिकली जो होता है वर्डप्रेस में जो आपका होता है पेज या पोस्ट का लिंक जो है वो बन जाता है। लेकिन हम दोबारा इंशाल्लाह कोई एक और पेज क्रिएट कर लेंगे तो हम है जो है एक और लिंक जो है उस मतलब लिंक जनरेट होते हैं तो वो हम बना लेंगे। अच्छा अब हम दोबारा आते हैं, मैं केपीएटीबी की वेबसाइट पर आ रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए इमेज है, आप राइट क्लिक करके इस इमेज को सेव इमेज एज मैं करता हूँ, मैं इसको एक मैंने फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, मेरे पास सेव हो गया। अब मैं आता हूँ अपने उस पेज पे, आप मैं स्पिरिचुअली अब देखिए दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो ये है ना कि अगर मैं यू कर दूँ और इसको स्लैश कर दूँ नीचे, यहाँ पर भी मैं इमेज डायरेक्टली जो है अपने उसमें डाल कर ऐड कर सकता हूँ। देखिए हमारे पास अगर मैं इसमें ऑप्शन जाऊँ ना, यहाँ पर हाईलाइट है, फुट नोट है, लैंग्वेज है, इनलाइन इमेज है, तो मैं यहाँ पर भी इनलाइन इमेज डाल सकता हूँ, लेकिन मैं इनलाइन इस इमेज को नहीं डाल रहा, जो ये ऐड हुआ है फीचर इमेज मैं उसको यूज कर रहा हूँ। तो मैं एडिट पेज पे जाता हूँ, तो यहाँ पर आप जाएं पोस्ट पे, पोस्ट के नीचे फीचर इमेज। अच्छा अब देखिए जो हमारे पास वर्डप्रेस है इसका जो स्पेशली यहाँ पर मीडिया कहा जाता है, इसका तरीका जो होता है आलमोस्ट सारा सेम है, कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे तो जब आप यहाँ पे आएंगे। अच्छा अब देखिए सेलेक्ट फाइल्स, तो आपने यहाँ से फाइल सेलेक्ट करना है या इवन आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कहीं पर भी फाइल पहले से अवेलेबल है, यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी आपके पास अवेलेबल होगी, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं अगर कहीं पर है। मैं अपलोड करता हूँ तो सेलेक्ट फाइल, मैं उस अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ। ठीक है सॉरी मेरे पास कुछ फोल्डर कहीं ज़्यादा पड़े हैं, मैं अच्छा इसके बाद इसको मैं डेट वाई मॉडिफाई करके मेरे पास लेटेस्ट पेज आ जाए। अच्छा देखिए मेरे पास ये इमेज आ गई है, तो यहाँ पर जो वर्डप्रेस का जो सबसे जबरदस्त जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वाई, कि ये देखिए अल्टरनेट टेक्स्ट जो होता है वो है, टाइटल क्या है इसका, अब देखिए टाइटल जो है ये अब ये हमारे पास इमेज का ले रहा है, लेकिन अगर इसको हमें चेंज करना चाहूँ इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपका जो इमेज है उसकी टाइटल है, उसका कैप्शन है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो विल मीनिंगफुल होना चाहिए। तो मेरे पास जो ये पोस्ट था एग्रीमेंट सेरेमनी बिटवीन, मैं इसको जस्ट सिंपल कॉपी कर देता हूँ बिकॉज हम लर्निंग कर रहे हैं, तो मैं इसका टाइटल जो है इसको चेंज करके कैप्शन भी मैं वही रख देता हूँ। ठीक है डिस्क्रिप्शन भी मैं फिलहाल वही रख देता हूँ, वैसे कैप्शन टाइटल डिस्क्रिप्शन में थोड़ा फर्क यह होता है कि डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा होता है टाइटल्स की, और कैप्शन ऑलमोस्ट कुछ एक्चुअली टाइटल अलग होता है, और हम जो इमेज कैप्शन रखते हैं एक्चुअली इमेज के ऊपर आता है, तो लेट्स से मोस्टली जो होता है जो लेट्स से यहाँ पर हैं मेरे ख्याल में डॉक्टर्स हमारे MD साहब हैं वहाँ के IT बोर्ड के, तो वो हैं जो दूसरा कोई जो भी है इनके साथ उनके नाम वगैरह होते हैं इमेज के कैप्शन से, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ सेम ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ फ्यूचर इमेज किया। ठीक है अब ये देखिए यहाँ पर तो इमेज आ गया है, लेकिन मुझे मेरे पास कंटेंट एरिया में कोई नहीं है, मैं इसको अपडेट करता हूँ, जब मैंने अपडेट किया तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ जब रिफ्रेश करता हूँ मेरा अपना जो पेज जो है, तब तो आपके सामने जो है ये मेरे पास फ्यूचर इमेज आ गई है, नीचे हमारे पास टाइटल आ गया है, तो ये मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ गया है, देखिए मेरे पास एक पोस्ट बन गया है। अब डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पर ऊपर टॉप पे आ रहा है और मेरे साथ ये नीचे आ रहा है, क्योंकि आपको मैंने एक दफा पहले बता दें, मैं आपको दोबारा रिपीट करा दूँ, क्योंकि इसकी कस्टमाइजेशन हुई है, जो टेम्पलेट वहां पर यूज हुआ है ये कस्टमाइजेबल कस्टमाइज है,
मतलब है कि उसको एक रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट किया गया है, जबकि हम बिल्कुल बेसिक डिफॉल्ट टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं। लेकिन जहां पर आपको समझाने का मकसद ये था कि आप बेसिक टेम्पलेट पे अगर आपको समझ आ जाए तो फिर आपको चीजों को वहां पर बहुत आसानी होगी हमारे पास, जब हम उस पर जाएंगे आगे कस्टमाइजेशन पे जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक वर्डप्रेस हमने क्रिएट किया पेज, फिर हमने क्रिएट किया वर्डप्रेस का क्या हमने वो पोस्ट। अब हम एक और चीज पे जाते हैं। मिसने एक क्वेश्चन किया था कि सर ऊपर जो है आप देखें हमारे पास यूआरएल्स हैं वो इस तरह आ रहे हैं, ठीक है, ये जो यूआरएल्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्रिएट होते हैं, लेकिन इसको आप इसकी जो सेटिंग्स हैं, एक मिनट, अच्छा मैं उस पे मैं खैर आता हूँ दोबारा ऊपर से मैं, चलो मैं पहले सेटिंग देखिए, ये सेटिंग पे मैं अगर जाऊँ तो जनरल सेटिंग्स, जो टाइटल मैंने स्टार्ट में दिया था अगर आपको याद हो, जब मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा था, ये टाइटल्स है, कोई टैगलाइंस है तो आप दे सकते हैं, ये हमारे पास वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल है, ये वही एड्रेस यूआरएल है जो आपको मैंने यहाँ पर दिखाया था डब्ल्यू पी ऑप्शन में, ये यहाँ से जो देखिए ये साइट यूआरएल होम यूआरएल, ये जो हमारे पास है वो यही यूआरएल है, यहाँ पर एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल्स है, आपको मैंने डेटाबेस में भी बता रही थी कि ये डेटाबेस में है, देखिए एडमिन ईमेल को यहाँ पे कहा जाता है, और पर यूजर आसानी के लिए यहाँ पर सेटिंग में भी है, अच्छा यहाँ पर मेंबर्स है, मतलब एक्चुअली ये सेटिंग्स हैं फॉर वर्डप्रेस, मेंबरशिप क्या है, न्यू यूजर्स रोल्स क्या है, ये अगर हम एक एक डिटेल में जाएंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको पता है थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, टाइम फॉर्मेट आपका क्या है तो आप देख लें, अगर आपको फिर भी इश्यू होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। अच्छा अब ये राइटिंग है हमारे पास, ठीक है, डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी मीन्स अगर हम कोई कैटेगरी स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो पोस्ट हमारे पास क्या जाएगा, एंड कैटेगरी में जाएगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास अन कैटेगरी एडजस्ट कर दी, मतलब अगर मैं इस यू कर दू ना, तीनों को भी सेलेक्ट ना कर दू तो ये डिफॉल्ट अन कैटेगराइज में जाएगा, अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो मेरा पोस्ट इसमें जाएगा, इसका मतलब ये है डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट है हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारे पास, ये कुछ ईमेल सर्वर्स हैं जब आगे काम करेंगे ईमेल सेंड करेंगे तो ये उसके हैं हमारे पास। अच्छा इसके बाद रीडिंग है, अच्छा योर होम पेज डिस्प्ले ये क्या है, लेटेस्ट पोस्ट है, स्टैटिक पेज कौन सा होगा, ये हम इंशाल्लाह आगे जाकर करेंगे, ब्लॉग पेज कौन एट मोस्ट 10, ये भी इंशाल्लाह हम जस्ट मैं आपको भी बता रहा हूँ कि जब हम नेक्स्ट जाएंगे तो फिर आपको लेकर आऊंगा दोबारा इसके, ये वो चीज थी जो हम यहाँ पे सेटअप करेंगे। अच्छा ये वो डिस्कशन है मीन्स कमेंट्स, अगर आप कमेंट्स अलाउ करते हैं नहीं करते, अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉक लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट है, अलाउ लिंक नोटिफिकेशन है, अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट है, आप करते हैं नहीं करते, ये वहां पर एक पोस्ट बेस्ड हमने की थी, यहाँ पर ये ग्लोबल्स हैं, ग्लोबल्स का मतलब ये होता है कि आप पूरी वर्डप्रेस साइट वाइज सेटिंग, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम क्या करते हैं यहाँ से तो अलाउ कर देते हैं, अगर हम फिर सम टाइम किसी पोस्ट पे अलाउ नहीं करते तो हम वो सेटिंग वहां से चेंज कर देते हैं, दीज आर द ग्लोबल सेटिंग और वो हमारे पास क्या थी लोकल सिटी। अच्छा ईमेल मी व्हेनेवर, तो ये सारी सेटिंग्स हैं यहाँ इंशाल्लाह देखेंगे टाइम टू टाइम। अच्छा इसके बाद मैं क्या आता हूँ मीडिया पे आता हूँ, अच्छा एक और चीज यहाँ पर देखिए, ये कुछ वो है एवेटार है आपने देखा होगा ना सम टाइम, ये कोई भी अगर आपने ब्लॉग वगैरह पे तो जो वर्डप्रेस में बना हो तो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये आइकन होता है या ये आइकन होता है, इसका मतलब ये होता है अगर किसी की पिक्चर नहीं है और उसने पोस्ट किया या कमेंट किया तो कौन सा आएगा, यहाँ पर एक्चुअली बाय डिफॉल्ट ये है, अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल लेटर ऑफ फॉर एग्जाम्पल है कोई भी है तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अच्छा अब मीडिया है हमारे पास, जो हमारे पास इमेज यहाँ पर जो साइज दिया हुआ है 150 बाय 150 होनी चाहिए, मीडियम साइज की 300 बाय 300, लार्ज साइज के 1024 और 1024। अच्छा अब ये क्या है, ऑर्गेनाइज माई अपलोड इन टू मंथ इन ईयर बेस्ड फोल्डर्स, आपने वर्डप्रेस में देखा होगा कि जब मैं कोई इमेजेस वगैरह अपलोड करते हैं या इवन आपने फाइल में देखा होगा, अच्छा ये देखिए तो वो क्या करते हैं ना मंथ और ईयर के लिहाज से जो है ये अपने इमेजेस जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, जब जब हम अपलोड करते हैं ना ये जब मैं एक्चुअली देखें ये डब्ल्यू पी कॉन्टेंट, ठीक है ये अपलोड, ये देखिए टू अभी मैंने एक की ना आपके सामने 09,
देखिए ये इमेज, ये अभी इसमें मुख्तलिफ बनाए हैं, ये एक्चुअली मुख्तलिफ इसलिए बने हैं कि डिफरेंट पर्पस के लिए सिर्फ इसका साइज का डिफरेंस होता है। देखिए ये इसमें 150x50 इमेज है, ये 300x200 इमेज इसने क्रॉप वगैरह की है ऑटोमेटिकली। तो ये उसके टर्मिनल वो चीज है जो इमेज को होता है, फिर ये जब हम मोबाइल सॉरी एक इमेज हो वेबसाइट लोड करते हैं, लेट से मैं मोबाइल पर करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि क्या है हमारे पास, तो वो उस बेस पे आपको इमेज उठाता है। या फॉर एग्जाम्पल मेरे रिजोल्यूशन क्या है, रिजोल्यूशन क्या होता है, लेट से अगर मैं आपको बता दूं, देखें अब ये है, अब मैं 1 मिनट में दोबारा इसको क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ आपके साथ ये पेज, मैंने ओपन किया यहाँ पर। अब देखिए काफी बड़ी इमेज है, अगर मैं इसको यू करता हूँ ना, तो ये क्या करता है, अब ये मेरे पास रिजोल्यूशन जस्ट मैं इसको मिनिमाइज किया, लेकिन मेरे पास रिजोल्यूशन जो है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, तो आपके सामने जो है मेरे पास इमेज शायद कोई और हो गई होगी। ठीक है, अगर मैं देखिए ये, तो ये एक्चुअली बेस्ट करता है वर्डप्रेस की, आपके पास देखिए ये मोबाइल फ्रेंड, क्योंकि हमारे पास ये फिर इमेजेस बेस्ट करते कि किस रिजोल्यूशन पे है, उस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट जो होता है वो आपके पास एडजस्ट करता है। अच्छा हम बैक करते हैं अपने टॉपिक पे, टॉपिक हमारा क्या था, जहां से हम गए थे, हम यहां से गए थे क्या, गनाइज माई अपलोड इन टू मंथ्स इन ईयर बेस फोल्डर्स। तो आपको ये पता होना चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमें नजर आता है लेकिन हमें समझ नहीं आती। देखिए 223 जो हमारे पास ईयर्स है एंड दिस इज द मंथ, ये मंथ्स में मैंने इमेज ऐड की है, इसलिए यहाँ पर हम इसको अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास इसके इस तरह गनाइज नहीं करेगा। अच्छा ये है परमालिंक्स, इसको हम परमानेंट लिंक्स भी कहते हैं, परमालिंक्स कोई मुख्तलिफ लोग जो होते हैं इसको को मुख्तलिफ वर्ड यूज करते हैं। अच्छा अब अगर आपने एक चीज नोट की होगी कि जो मिस टीचर का क्वेश्चन भी था कि सर ये लिंक्स है वो किस तरह, अब अगर आप देखें तो मेरे पास ये क्या है, जो मेरे पास लिंक स्ट्रक्चर है वो किस तरह होना चाहिए, देखिए डे एंड नाइन HTTP लोकल होस्ट, ये देखिए मेरे पास इस तरह का मेरे पास जो लिंक है वो क्लियर होना चाहिए। आपके सामने मेरे पास क्रिएट भी हुआ, ये इस लिंक को आप देखें, देखिए इसका क्या है, इयर्स, इसके बाद मंथ, इसके बाद डेट, ये हमारे पास चूंकि डिफॉल्ट सिलेक्टेड था, देखिए ये तो हमारा बेस यूआरएल हो गया, लोकल होस्ट मेरा लोकल होस्ट हो गया, डेटा मेरा फोल्डर हो गया वर्डप्रेस का, ये इयर्स है, ये मंथ है और ये मेरे पास डेट है, सैंपल पोस्ट जो भी पोस्ट का टाइटल होगा यहां पे जाएगा। अब आपके सामने है मेरे पास क्या है, ईयर, ये मंथ, ये डेट, ये मेरे पास इसका टाइटल है जो कोई भी हो सकता है, वो 2 वर्ड भी हो सकता है, 5 वर्ड भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम करेक्टर जो है जो किसी भी टाइटल के लिए होने चाहिए वो 50 करेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टाइटल डिपेंड करता है लेकिन 50 to 100 दरमियान में होना चाहिए, इतना बड़ा टाइटल नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम जो है तो 50 जो होता है अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं दौड़ा दोबारा आता हूँ, मैं एक्चुअली क्या करता हूँ इसको चेंज करता हूँ, आपके सामने है मैं इसको पोस्ट नेम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरे पास, ये पोस्ट नेम एक्चुअली इस तरह होगा ट्वेटा, इसके बाद क्या है हमारे पास सैंपल पोस्ट, इसका हमारे पास क्या आएगा पोस्ट नेम के साथ आएगा ये। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको चेंजित करता हूँ, मेरे पास हो गया, देखिए मैंने पोस्ट नेम किया, तो अब हमारे पास जब हम पोस्ट क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये डेट और मंथ नहीं आने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ दोबारा जाता हूँ, ये हमने एक पोस्ट क्रिएट किया था, मैं क्विक पोस्ट क्रिएट करता हूँ, देखिए मेरे पास 2-3 पोस्ट हो गए हैं, मैं एड न्यू करता हूँ, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ जस्ट परमानेंट टेस्टिंग, मैंने इसको क्या किया डायरेक्टली पब्लिश किया, वही फिर दोबारा चीजें नीचे हैं जो हमने ऑलरेडी कवर की हुई है पब्लिश किया, तो अगर किसी का क्वेश्चन दोबारा हो तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ही क्रिएट होते हैं। अच्छा लिंक जो होते हैं हमें इसको क्रिएट नहीं करना पड़ता, अब देखिए हम कॉपी कर सकते हैं, हम इसको व्यू कर सकते हैं, सेम डायरेक्टली वहां पर चला जाएगा, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। ठीक हो गया, तो आप सामने देखिए मेरे पास क्या लिंक आ रहा है, परमालिंक टेस्टिंग, ये मेरा टाइटल है, तो
तो ये अब आप पे डिपेंड करता है, आपके वेबसाइट पे डिपेंड करता है कि आप अपने पोस्ट को हम किस तरह रखना चाहते हैं। तो टीचर का क्वेश्चन था कि सर ये किस तरह है, तो ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। वो सॉरी लेट्स मी गो बैक टू द, हाँ ये देखें, तो अगर हम मंथ ए नेम करेंगे तो फिर हम यू भी कर सकते हैं, मतलब जो भी हम अगर न्यूमेरिक करेंगे और कैरेक्टर्स हैं तो उस तरह भी अपने पोस्ट बना सकते हैं। लेकिन जो पोस्ट का स्ट्रक्चर है आजकल जो गूगल उसको मतलब है ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, या वो है हमारे पास पोस्ट नेम, इसके बाद वेबसाइट और इसके बाद आपका टाइटल होना चाहिए। अच्छा ये चीजें हो गई हमारे पास उसके परमालिंक के हवाले से, आई मीन परमानेंट लिंक जो हमारे पास यूआरएल से बनते हैं। तो हमारे पास हमने कितनी कवर की देखी, पोस्ट पेजेस और बाकी हमारे पास सेटिंग्स में जर्नल राइटिंग, इसमें कुछ चीजें मैंने छोड़ दी है, लेकिन वो मैंने इसलिए छोड़ी कि जब हम वहां पे जाएंगे तो हम, मैं दोबारा आपको बैक इसके लेकर आऊंगा कि इसका मकसद क्या था। अच्छा अब मैं दोबारा आता हूँ, हमारे पास एक अपीयरेंस है, कमेंट्स हैं, ये क्या है, इसमें बाद में आएंगे, मैं दोबारा आपने आता हूँ पोस्ट पे। अच्छा अब अगर आप यहाँ पे देखें तो समटाइम्स ये भी होता है, जो आपको मैं जर्नल आपको मैं बता रहा था कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब ठीक है ये टैग्स हैं कैटेगरीज हैं, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि काफी ज्यादा होते हैं हमारे पास कॉलम्स, तो अब अगर आपने यहाँ पर कॉलम्स जो है आपको नहीं चाहिए, जैसे मतलब यहाँ पर टैग मुझे नहीं चाहिए और मुझे अतर का पता है कि अतर कौन है, मुझे नहीं चाहिए, मतलब है कि मैं थोड़ा सिंपली रखना चाहता हूँ अपने स्क्रीन को, तो आप इसको इस तरह रख सकते हैं। यहाँ से आप इसको चेंज करके आप इस पर अप्लाई कर दें, ठीक है। कम्पैक्ट व्यू है फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको एक्सटेंडेड व्यू करना चाहते हैं तो आप इसको एक्सटेंडेड व्यू कर लें, मतलब वो आपके मुनहसर करना चाहिए कि एक्सटेंडेड व्यू होगी। एक्सटेंडेड व्यू में यह है कि आपको थोड़ा बहुत अपना जो टेक्स्ट है वो भी यहाँ पे देखे नजर आ रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटेंडेड व्यू से नहीं रखे। अगर किसी को कम्पैक्ट व्यू रखा जाता है कि ज्यादा जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन विजिबल हो जैसे ही हम इसको ओपन करें। तो ये मैंने कुछ चीजें आपके सामने यहाँ पर डिसेबल की, अगर आप दोबारा एनेबल करना चाहते हैं इस पेज पे तो आप इसको एनेबल कर सकते हैं। ये जनरल चीजें हैं जो हर एक के लिए सेम होगी, मे बी ऑप्शन यहाँ पर डिफरेंस हो, यहाँ पर अगर अतर है तो शायद यहाँ पर कुछ और कॉलम्स हो, मतलब है कि हम कॉलम के हवाले से यहाँ पर इसको आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। ये जनरल चीजें हैं, जनरल मीन ग्लोबल चीजें हैं, तो ऑलमोस्ट हर एक के लिए सेम होंगी। मैं आपको पोस्ट पे आपको ओवरव्यू करा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखें तो एडिट है, मूव टू ट्रैश है, अगर आपने ट्रैश करना है तो ट्रैश कर दें। अच्छा अब पोस्ट के हवाले से जबरदस्त एक और चीज, वो ये है मैं क्विकली पोस्ट क्रिएट करता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूं पेपी एटीट्यूड, पेपी एटीट्यूड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अभी इसको पब्लिश जो है वो क्या कर रहा, आज नहीं कर रहा, मुझे फॉर एग्जाम्पल ये चाहिए 20, ठीक है। तो और इसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, देखिए क्या है कब पब्लिश हो गया स्केड्यूल, मैं कर रहा हूँ इसको 20 को। तो ये देखिए मेरे पास अगर मैं उस पे जाऊं, ये मेरे पास पोस्ट क्रिएट तो हो गया है, लेकिन ये मेरे पास अभी जो है अगर मैं एक्चुअली मेरे पास वेबसाइट होता तो ये आज अवेलेबल ना होता, ठीक है। ये तो एक्चुअली इसको डायरेक्टली मुझे यूआरएल पता है ना, इसलिए भी इसको चेक कर सकता हूँ। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वेबसाइट होता तो क्या होता कि हमारे पास ये जो था ये अवेलेबल ना होता, वाई बिकॉज इसको मैंने, तो पोस्ट क्या होते हैं कि हमारे साथ सम टाइम अगर हमने कुछ एक कुछ लिख भी दिया तो हमारे पास क्या है कि वो उस टाइम नहीं आएंगे जब तक हम इसको क्या कर दें, हम खुद बहुत जो है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, देखिए परमालिंक टेस्टिंग है, वेलकम टू पेटा है, और हमारे पास क्या है हेलो वर्ल्ड है। अब अगर मैं वापस आपके उस एडमंस पे आ जाऊं, ये देखिए मैं वापस एडमन पे आता हूँ, पेजेस पे सॉरी पोस्ट पे। अच्छा अब देखिए केपीआईटी टीचर स्केड्यूल इसके पास लेकर आ रहा है, ये देखिए इसके पास नहीं लेकर आ रहा, तो 1 2 3 4। तो अब अगर ये देखिए आप देखिए परमानेंट टेस्टिंग ये पोस्ट है ऑन सितंबर 18, ये वेलकम टोयोटा ये भी हमारे पास पोस्ट है, और हमारे पास हेलो वर्ल्ड है, ये भी 3 4 है, लेकिन आपके सामने जो है मेरे पास ये नहीं आ रहा, तो ये कब आ जाएगी, ये स्केड्यूल ऑन पब्लिश ऑन, और ये हमारे पास क्या है
तो यहाँ पर एक्चुअली मैं समझा रहा था कि यहाँ पर क्या है पब्लिश स्केड्यूल, ये स्केड्यूल में 1 आ रहा है, पब्लिश में मेरे पास 4 आ रहे हैं। अब लेट्स से मैं हेलो वर्ल्ड को जो है करता हूँ ट्रैश, मीन्स मुझे नहीं चाहिए पोस्ट, मैंने किया क्रिएट लेकिन मुझे अभी नहीं चाहिए। तो देखिए अब कितने आ रहे हैं इसके साथ, देखिए ट्रैश में 1 आ रहा है, स्केड्यूल में भी 1 आ रहा है और पब्लिश में भी हमारे पास 3 आ रहे हैं। तो ये वर्डप्रेस की हमारे पास पोस्ट वगैरह की सेटिंग भी मेरे ख्याल में काफी हो गया है, तो हम लेके जाते हैं वर्डप्रेस पोस्ट से आके। अच्छा अब हमारे पास क्या है वर्डप्रेस की जो पेजेस थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा अब हम आते हैं एक सिंपल दो प्लगइन इंस्टॉलेशन पे, और प्लगइन की सेटिंग्स क्या होती है, और इंशाल्लाह इसके बाद हम आगे फिर थोड़ा सा थीम कस्टमर जर्नी वगैरह पे जाते हैं। बल्कि हम इस तरह करते हैं कि हाँ एक पेज कि टीचर्स जैसा फिर से ज्वाइन करते हैं वो लाइट इशू आ गए उनके पास। अच्छा मीटिंग खत्म होने में भी 3 मिनट रहते हैं तो फिर से ज्वाइन कर ले, और अटेंडेंस मैं रिपीट कर देती हूँ जिन जिन की मैंने लगाई है। आलिया समी, अब्दुल माजिद, अदनान जफर, अफशीन, बिल्किस सनी, चाहत निसार, और गैलेक्सी J6 से कौन ऑनलाइन है ये मुझे नहीं पता, अपना नाम काइंडली चैट में मुझे फिर सेंड कर दे। इरफान अल्ला मरवत, महफूज रहमान, मेहर दरख्शा, मोहम्मद इलियास, मुश्ताक खान, नवीद कासम, मिसायरा, वसीम अब्बास, जिया मोहम्मद, अफसर खान, फरजाना एंड सदफ। हेलो। अच्छा जी कोई टीचर शायद मुझे थोड़ा बता दे, शायद ये मिड में स्क्रीन नहीं तो क्यों आ ऐसा गई थी। इस मीटिंग में भी 2 मिनट रहते, खत्म हो जाए तो सारे फिर से ज्वाइन कर लें। आप हाँ अच्छा ठीक अगर है। हो गए थे तो जी, अच्छा तो हम यहाँ पे
कि यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास जो स्लाइड्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो फिर आप उसको देख लें। ये वही चीजें हैं जो हम जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो हम क्या थे, हम एक अभी जो है हम एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। मैं प्लगइन्स पे जाता हूँ, ये लास्ट टाइम मेरे ख्याल में आदिल साहब ने आपको करवाया भी है। तो हमारे पास जो है तीन मेथड हैं। अगर मैं आपको स्लाइड में जी 1 मिनट, कोई टीचर की मैसेज है। अच्छा, यहाँ पर जो है सर्च हेयर के हम आप उसको मतलब है एक्चुअली हमारे पास कितने मेथड्स हैं, तीन मेथड्स हैं हमारे पास प्लग इन इंस्टॉलेशन के। एक ये है कि आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे जाएं, ऐड न्यू करें, जो मैं भी कर रहा हूँ। मैं क्या गया प्लगइन्स किया और वर्डप्रेस पे चला गया ऐड प्लगइन, ठीक है। हमारे पास इसरा क्या है, सर्च पर प्लग इन विद द सर्च बार टाइप राइट कॉर्नर, और हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा सॉरी, मैं वापस आता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो उसके तीन मेथड है वो ये है, एड प्लग इन टू आवर वेबसाइट फ्रॉम द डैशबोर्ड। ये एक्चुअली डैशबोर्ड मेथड है। यहाँ पर तीन वे हैं हम प्लग इन किस तरह इंस्टॉल करेंगे। देखिए डैशबोर्ड यहाँ पे आया प्लग इन, यहाँ ये एक्चुअली इंस्टॉल प्लग इन है, तो हमारे पास सिर्फ दो है। अगर मैं एड न्यू करूंगा तो आपके साथ यहाँ पर न्यू के लिए ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ से हम प्लग इन ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, तो मैनुअली ऐड अ प्लग इन टू आवर वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट। लेट्स से आपने फॉर एग्जांपल कोई प्लग इन जो है, ठीक एक मिनट से कम टाइम रहता है और है। मीटिंग खत्म हो जाएगी, और मीटिंग के बाद डायरेक्ट आपने सबसे पहले तारिक आजम साहब की कंप्लेंट जो है दूर करनी है। वो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कहा है, यहाँ भी जेड में कह रहे हैं। तो आप उनसे फिर जरा कंफर्म करें कि उनको आवाज क्लियर है नहीं है।